चलो ये चलो पापा कहाँ जा रहे हैं बोलो ना, एक घंटे से पूछ रहा हूँ। बेटा पापा बोलो ना, बताता हूँ बेटा। बेटा हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं, तुमने इस घर का टेरेस नहीं देखा ना अभी तक? नहीं, लेकिन वहाँ हम लोग क्या करेंगे? चलो बताता हूँ। पूरा शहर दिखता है, चलो। सच्ची? हाँ हाँ बेटा, मामा को भी आना। ये देखो पापा, यहाँ से तो सच्ची में पूरा शहर दिखता है। हाँ बेटा, पूरा शहर दिखता है। वो देखो कितना प्यारा दिख रहा है। पापा देखो यहाँ से रोड कितना अच्छा दिखता है। हाँ बेटा। मम्मा इधर भी देखो। जब इंसान की सहन शक्ति जवाब दे देती है तो कभी कभी वो चुनता है रास्ता अंत का, मौत का, आत्महत्या का। अपने हंसते खेलते परिवार को मारने के बाद एक इंसान आत्महत्या करता है, पर संयोग से उसका बेटा बच जाता है। आखिर कौन था ये इंसान और ऐसा क्या हुआ था उसकी जिंदगी में कि जिससे मजबूर होकर उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया? वजह जो भी हो, लेकिन इस हादसे ने सबके विश्वास पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। आज की ये कहानी एक ऐसा ही चौंका देने वाला केस है। इनका घर चेक करते हैं, देखते हैं कोई सुसाइड नोट वगैरह है क्या। तो दरवाजा खोलो। सर ये लोग यहाँ कब आए थे रहने के लिए? थोड़े दिन पहले। और कोई था घर में? सुजीत का लड़का अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा है। सुजीत को लड़का भी था? सर घर में कोई नहीं है। लेकिन लैंडलॉर्ड के हिसाब से सुजीत का एक लड़का भी। घर में कोई सुसाइड नोट मिला है? नो सर। बिल्डिंग में सभी से पूछताछ करो, देखो कि किसी के पास बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन है। सर मैंने पूरी बिल्डिंग छान मारी पर बच्चे का कुछ पता नहीं। अकेले कहाँ जा सकते सर? दोस्तों रिश्तेदारों अर्जुन बेटा, तुम अर्जुन हो बेटा? बाहर आओ, बाहर आओ। पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रियो यो न प्रचोदयात्। कोई काम ठीक से नहीं होता, देखो तो मुझे ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। लो, अरे बच्ची का टिफिन तो लेके जा, भूखा मारेगी क्या उसको? जरा से भी अच्छे गुण नहीं है। अबे टुकड़ टुकड़ क्या देख रही है? स्कूल का टाइम नहीं हो गया? चलो बेटा स्कूल चलते हैं। किसी लायक नहीं है। तो बच्चा भी सहमा हुआ है, शायद उसने अपने मामा को मरते हुए देखा हो, इसलिए बात करने की स्थिति में नहीं है सर। वो अभी उसकी नानी उसे अपने साथ ले गई है। बच्चे को चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ, उससे बच्चे को मदद मिलेगी। लेकिन जरा संभाल के, बच्चे का ठीक होना और हमसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारी गुत्थी सुलझा सकता है। और हाँ, सुजीत के आस पड़ोस के लोगों से बात करो, दोस्तों से बात करो, पता करो कि ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड कर लिया। उसके रिश्तेदारों को ढूंढो और उनसे भी पूछताछ करो। सर
जिया को तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा, सिर्फ जिया को याद आती है? सभी को आती है। तुम घर कब आओगे? अभी तो नई साइट शुरू हुई है, काम से सेटल होते ही आता हूँ। वैसे मुझे भी जिया की बहुत याद आती है और तुम्हारी भी। आई लव यू। सर, प्रकाश का केस की डिटेल्स आ गए। सम्मेलन मार्केट में सुजीत के कपड़े की दुकान थी और पास ही में घर भी था। अचानक से सर रातों रात उसने दुकान और मकान दोनों बेच दिया। उसके बाद वो किराए घर में जाकर रहने लगे। उसके रिश्तेदारों का कुछ पता चला? हाँ सर, उसका साला उसके साथ मिली थी। उन्होंने बताया कि बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ। उसके पड़ोसियों से, दुकान के अगल बगल वालों से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, मार्केट वालों को कानों कान खबर भी नहीं है। उसको कुछ लॉस भी हुआ था। सब ये बात सोच के शॉक्ड है कि अचानक से उसने चलते फिरते दुकान इतने सस्ते में क्यों बेच दी। सुजीत की पूरी कुंडली निकालो सर। इतनी रात को कहाँ से आ रही है तू? तुझे पता नहीं आज मैंने जगराते में जाना था अनिल के यहाँ? माँ जी, मैं अभी खाना बना के दे देती हूँ। हाँ? अरे रुक, तेरे गहने कहाँ हैं? माँ जी, वो जौहरी को दिए पॉलिश करवाने के लिए, उन लोग कल लौटा देंगे। इतने तो पुराने नहीं हुए थे जो तूने पॉलिश करने के लिए दे दिए? वो जौहरी के यहाँ स्कीम चल रही थी। तो ये मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया? माँ जी, अगर इसे चमकाती तो इसमें लगे छोटे छोटे हीरे निकल जाते। मैं खाना बना देती हूँ। जबान तो इतनी चपर चपर चलाती है, हीरे निकल जाते। खाना बनाएगी, इसकी शक्ल देखे तो अच्छी अच्छी भूख खत्म हो जाए। इससे अच्छा तो मैं जगराते में ही चली जाऊँ, देर हो रही है मुझे। पापा देखो, यहाँ से रोड कितना अच्छा दिखता है। पापा, अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहा है? बुरा सपना देखा क्या? अच्छा, बड़ी मम्मा है ना तेरे पास? हाँ, तो फिर क्यों लड़ेगा? अच्छा अच्छा, सोएंगे सोएंगे सोएंगे। अरे मेरे पास बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे बच्चा। घर में इसका मतलब कहां गई होगी? हे भगवान, लुट गई। हाँ मां। रौनित, भाग गई वो। अरे तेरे सारे पैसे लेके भाग गई, तेरे खून पसीने की कमाई चली गई बेटा। अरे मां, आप आराम से बताइए हुआ क्या है? कहा था ना मत सड़क से उठाकर उसको घर में लेकर आ और सर पे बिठा। माँ, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। आप पहले जाके पुलिस में कंप्लेन कीजिए। प्लीज आप अभी जाइए।
रुपए चोरी हो गए मेरे। देखिए यहीं पर रखे थे मैंने सारे पैसे और जेवर, अब सब गायब है। इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रखी थी? मेरा बेटा दुबई में काम करता है और हम एक घर खरीदने वाले थे, उसी के कुछ पेपर तैयार कराने थे, इसीलिए उसने पैसे भेजे थे। अच्छा, इन पैसों के बारे में और किसी को भी पता था? मेरी बहू पूछे और मेरे बेटे को बस। आपकी बहू की कोई फोटोग्राफ है आपके पास? आपको पक्का शक है कि ये सब आपकी बहू का किया धरा? शक? अरे मुझे तो पूरा यकीन है ये सब उसी ने किया है। सारे पैसे लेकर भाग गई अपने आशिक के साथ। दादी मम्मी कहाँ गए? फोन भी नहीं ले गए साथ में। किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? अरे मुझे क्या पता वो कलमुहा कौन था। हमें तो बस रोज कहकर ये निकलती थी कि छोटी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही है। बाद में पता चला कि स्कूल जाती ही नहीं थी। एक्चुअली जिया 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। क्या जिया 4-5 दिन से स्कूल नहीं जा रही? क्यों रही महारानी? तू रोज जिया को छोड़ने स्कूल जाती है ना, फिर उसको स्कूल से फोन कैसे आ गया कि वो स्कूल नहीं आ रही? माँ जी वो अपनी जिया नहीं, कोई और जिया होगी जो शायद स्कूल नहीं आ रही होगी। मैं आज ही स्कूल जाकर बात करती हूँ। अब कोई जवान औरत झूठ बोलकर घर से निकलेगी तो साफ साफ है ना, अपने आशिक से ही मिलने जा रही है। पैसे तो गए गए, हमारी इज्जत भी चली गई। कोई जाता है क्या ऐसे छोटी सी बच्ची को छोड़कर? सास की बात सही निकली कि मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारा पैसा मधु लेकर भाग गई हो, क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में औरतें छोटे बच्चों को घर छोड़कर भाग जाती है। सतीश अगर मधु का वाकई किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। इसके कॉल डिटेल्स निकलवा और इनके मोहल्ले वालों के साथ साथ जिया के स्कूल में भी पूछताछ करो। ओके सर। सास बहू का ड्रामा चलता रहता था हमेशा घर में रोज। दोनों की कभी नहीं पट्टी थी, हमेशा क्लश हुआ करता था। सास तो बहू को दिन रात ताने देती थी और दहेज के लिए बहू की नाक में दम कर रखा था। मधु का किसी के साथ चोरी छिपे कोई चक्कर चल रहा था? मधु और रोनित एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर शादी की थी। बस इसीलिए श्रद्धा आंटी मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बच्चा अभी तक सदमे में है, रात को उठ के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत डर जाता है। ये देखो चॉकलेट, आपको अच्छी लगती है चॉकलेट? देखो चॉकलेट। सर मोहल्ले वाले तो कह रहे हैं कि सास बहू में पड़ती ही नहीं थी, दहेज को लेकर सास हमेशा बातें सुनाती थी बहू को। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट से कुछ मिला? सर अलमारी में टोटल 3 फिंगरप्रिंट्स मिले, एक शारदा देवी के, घर के बाकी सामान के साथ मैच करके देख लिया, दूसरे फिंगरप्रिंट मधु के, लेकिन तीसरे फिंगरप्रिंट अलमारी और गेट के अलावा कहीं नहीं मिला। सतीश ये तीसरे फिंगरप्रिंट्स किसके हो सकते हैं? सर मधु के पति तो दुबई में रहता है, घर पे किसी का आना जाना भी नहीं। मधु की कॉल डिटेल से कुछ मिला? सर कॉल डिटेल देख के लगता तो नहीं है किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा था। और मधु का रूटीन? सिंपल है, जिया को स्कूल लेकर जाती है और स्कूल से घर वापस ले आती है। जिया के स्कूल में पूछताछ करो, हो सकता है वहां से कोई ना कोई सुराग मिले। ओके सर। जिया तो कुछ दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही है, घर पर उसकी दादी से भी बात हुई थी। एक्चुअली जिया 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। क्या जिया 4-5 दिन से स्कूल नहीं जा रही? फिर मधु ने बताया कि जिया अब काफी बीमार है, जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसे खुद स्कूल ले आएगी। सर जिया पिछले कुछ दिनों से स्कूल ही नहीं गई थी, मतलब शारदा को जो फोन आया था वो सही था, मधु बच्ची को लेकर स्कूल के लिए निकलती थी लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। सतीश इस मधु का पिछले 2-3 महीने का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। और इस मधु के माँ बाप से भी मिलते हैं। जिया? हाँ? जिया? पापा, पापा, मम्मी कब आएगी? जल्दी आएगी बेटा। रोनित आ गया तू? सुन ली अपनी बीवी के करतूत, और तू अपनी आने वाली तेरी मम्मी? हाँ देख लिया ना, कहा था ना मैंने मत सड़क से उठा के ला उसे, ले गई ना सारे पैसे भाग के। माँ मधु ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती तो मैं पागल हूँ, झूठ बोल रही हूँ? अरे कुछ दिन पहले सारे जेवर गायब थे उसके, सिर्फ मंगलसूत्र था गले में, बेच दिए होंगे और क्या। सिर्फ मंगलसूत्र था? हाँ सिर्फ मंगलसूत्र था। माँ मधु जरूर किसी मुसीबत में, मैं अभी आता हूँ। ए तू कहाँ चल दिया? सर मेरी वाइफ का कुछ पता चला,
देखिए हमारी छानबीन चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है आपकी पत्नी मधु इतने सारे पैसे लेकर घर छोड़कर कहाँ जा सकती है? सर मैं आपसे कह रहा हूँ वो जरूर किसी मुसीबत में। तुमको कुछ बताना है प्लीज जल्दी आ जाओ ना। प्लीज सर उसे ढूंढिए। क्या मधु के गायब होने का कारण रौनित की गैर मौजूदगी है या श्रद्धा की कोई करतूत या फिर कोई और ही वजह है जो अब तक सामने नहीं आई है? बेटा अंकल को बताओ। पापा अपने इस नए घर से मार्केट कितना पास है? हाँ बेटा सब कुछ पास में मिलता है। पापा वो देखो हवालदार संतोष अंकल। चलो पापा क्या हुआ? नहीं बेटा हम ऐसा करते हैं ना हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। लेकिन इधर ही अपना घर ना। नहीं बेटा वहाँ से चलेंगे ना। चला जाओ। लेकिन इतनी दूर पापा उधर चलो। चलो आगे देखो। डरो मत। बताओ क्या बोल रहे थे? पापा पुलिस वाले अंकल से डरते थे। मधु के मोबाइल के पिछले कुछ महीनों की लोकेशन ट्रेस हो गई है। ज्यादा करके लोकेशन जिया के स्कूल के आसपास की है। जिया के स्कूल की टाइमिंग क्या है? सुबह 9 से 12। रोज उस समय मधु के लोकेशन उसी स्कूल के पास की है। मैं एक बार थोड़ा जल्दी आ गई थी तो वो सामने वाले कॉफी शॉप में बैठ के स्कूल छूटने का इंतजार कर रही थी। वहां पर मैंने मधु को एक आदमी के साथ देखा था। कौन आता? आप जानती हैं उसे? नहीं मैं उसे नहीं जानती और मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। इस लेडी को जानते हैं आप? हाँ सर ये एक आदमी के साथ आती थी और वो लोग यहाँ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। जिस आदमी के साथ ये आती थी आप जानते हैं उसे? नहीं सर पर हाँ उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी उसका नाम पता कुछ तो जानते होंगे आप? नहीं सर वो तो नहीं पता पर वो आप लोगों की तरह ही खाकी पैंट और बूट पहनकर आता था। आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ नहीं? नहीं सर। क्यों? सर अभी अभी शॉप चालू की हमने सर बस जल्दी लगवा लेंगे। आप स्केच बनवा सकते हैं उस आदमी? हाँ सर बिल्कुल। ये वो आदमी? हाँ सर। सतीश ये जो कोई भी है इसकी डिटेल्स निकलवाओ। सर ये भी तो हो सकता है कि आदमी पुलिस वाला ना हो क्योंकि खाकी पैंट और जूते सिर्फ पुलिस वाले नहीं पहनते। सर हो सकता है कि मधु का इसका साथ ही अफेयर चल रहा हो और मधु इसी के साथ भाग गई और वो तीसरा फिंगरप्रिंट भी इसी आदमी का हो सकता है। सर सतीश ये जो अभी अभी हमें लीड मिली है कि ये कोई पुलिस वाला हो सकता है इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। इस स्केच को आसपास के हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता करो कि ये कहाँ तैनात है। ओके सर। अब तक सिर्फ मधु की सास ये कह रही थी कि मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सारे पैसे लेकर भाग गई अपने आशिक के साथ। लेकिन अब पुलिस के पास एक चेहरा भी था जिससे मधु का मिलना जुलना था। तो क्या उसी के साथ मधु पैसे लेकर भाग गई थी या फिर उसे बरगला कर भगाया गया? इस आदमी को देखा है कभी आप लोगों ने? कौन है ये आदमी? क्या किया इसने? नहीं सर मैं ऐसे नहीं जानता। इस आदमी को कई बार आपकी पत्नी के साथ स्कूल के पास वाले कॉफी शॉप में देखा गया है। देखा? जानती थी मैं एक दिन खानदान की नाक कटवा के रहेगी। बस हो गया ना सारा गुड़ गोबर। अरे मेरी बात पर विश्वास नहीं था अब तो वर्दी वाले भी कह रहे हैं अब तो मान ले। नहीं सर मेरी मधु ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जरूर कोई और बात रही होगी। सर स्केच को भोपाल के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया। पूरे भोपाल शहर में ऐसा कोई पुलिस वाला है ही नहीं सर। सारे खबरियों भीड़ चौकी और पूरे एमपी में स्केच को सर्कुलेट करो। ये जो कोई भी है इसकी पूरी जानकारी निकालो। इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। घर गृहस्थी संभालने वाली एक आम स्त्री मधु के इस तरह अचानक अपनी बेटी जिया को छोड़कर गायब हो जाने से रौनित की जिंदगी में खलबली मच गई थी। लेकिन रौनित का मधु के प्रति अटल विश्वास पुलिस को इस तहकीकात में दूसरे और सिरे तलाशने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या कोई पुलिस वाला वाकई इसमें शामिल था या फिर महज इस खाकी वर्दी को इस्तेमाल किया जा रहा था?
पसंद आया? बहुत ज्यादा। पर अब क्या तुम बस वाइफ को गिफ्ट देके खुश करते रहोगे? यहाँ घर पे नहीं आओगे? बस ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही आता हूँ। मुझे तुमको कुछ बताना है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। पापा मम्मी को पाएगी? बहुत जल्दी आएगी बेटा। सर, मधु का इस आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई चक्कर नहीं चल रहा था, तो इसे मिलती क्यों थी? सतीश। हेलो। हाँ क्या? सर, मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत गला दबाने से हुई है, शरीर पे स्ट्रगल के निशान भी है। जिस दिन मधु गायब हुई थी मौत उसी दिन हुई। और कुछ? सर अब तक तो कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगते ही अपडेट करता हूँ। गुड सर। रौनक, तुम हो तो बहुत दूर ना। अरे कहाँ, इस मंगलसूत्र के साथ तुम्हारे गले ही तो पड़ा हुआ हो ना। मुझे तुमको कुछ बताना है। सर, सर मेरी बीवी का मंगलसूत्र मिसिंग है। आपको उसकी बॉडी पर ही मिला था? हमें कोई मंगलसूत्र नहीं मिला। सर ये मंगलसूत्र मैंने उसे दुबई से लाकर दिया था, वो कभी भी इसे अपने गले से नहीं उतारती थी। तेरे कहने का है? माँ जी वो जौहरी को दिए पॉलिश करवाने के लिए। तो ये मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया? माँ जी अगर इसे चमकाती तो इसमें लगे छोटे छोटे हीरे निकल जाते। सतीश सर, ये फोटो सारे ज्वेलर्स और सराफा मार्केट में सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को भी दिखाओ। ओके सर। सर शास्त्री में पुलिस स्टेशन से इसके चाहिए। सर वो इस आदमी की आइडेंटिटी पता करना चाहते हैं, उन्हें शक है एक पुलिस वाला है, ये केस में वांटेड भी है। ये हमारे पुलिस स्टेशन का तो लगता नहीं है सर। सर सुजीत गुप्ता और उसकी फैमिली के सुसाइड वाले केस में बच्चे ने हमें बताया था ना कि ये उसके पापा किसी पुलिस से डरते थे। पापा पुलिस वाले अंकल से डरते थे? शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन, उन्हें इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करो, हो सकता है कि दोनों केस कनेक्टेड हो। सर सर प्रकाश नगर पुलिस स्टेशन से खबर आई, कुछ दिनों पहले एक फैमिली ने सुसाइड किया है, लेकिन 7 साल का एक लड़का बच गया। पूरी फैमिली का सुसाइड? डिटेल्स क्या है? सर बच्चे के बाप का नाम है सुजीत गुप्ता, बिजनेसमैन था। सुसाइड करने से पहले उसने दुकान और मकान दोनों ही बेच दिया और भाड़े के मकान में शिफ्ट हो गया। उसी मकान के टेरेस पर से पहले उसने पत्नी और बच्ची को धक्का देके मार दिया, फिर खुद भी कूद गया, लेकिन इन सब में से वो 7 साल का बच्चा बच गया। सुसाइड की वजह? सर छानबीन से पता चला है कि दिवालिया होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन चौंकने वाली बात तो ये है कि बच्चे ने बयान दिया है कि उसके पिताजी पुलिस वालों से डरते थे। पुलिस वालों से डर? इस केस में किसी पुलिस वाले का चेहरा सामने आया? अब तक तो नहीं सर, लेकिन इंक्वायरी चल रही है। सर दोनों केसेस में शक पुलिस वाले पे ही जाता है। इस बच्चे से पूछताछ करते हैं। मां मधु किसी मुसीबत में थी पर मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे तुमको कुछ बताना है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना। वो बार बार कहती रही जल्दी आ जाओ, एक बात बतानी है, पर मैं कभी अच्छे से उसकी बात समझ ही नहीं पाया कि वो क्या बताना चाहती है। बेटा इसे ध्यान से देखो और बताओ कि क्या आप इन्हें जानते हो? हाँ, इस अंकल को पापा ने पैसे दिए थे। ये बहुत गंदे अंकल है, वहां से आने के बाद पापा बहुत अपसेट रहते थे। बेटा क्या ये अंकल पुलिस वाले हैं? पुलिस वाले हैं कि नहीं पता नहीं, पर पापा जब कभी भी किसी भी पुलिस वालों को देखते तो वो डर जाते। अच्छा बेटा, आपके पापा हमेशा से पुलिस से डरते थे या पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो डरने लगे? पहले तो पापा की पुलिस वालों के साथ दोस्ती थी, वो फ्रेंड्स थे, वो हर रोज उनकी दुकान पे आते थे, पर 3-4 महीने से पापा पुलिस से डरने लगे और फिर किसी भी पुलिस वालों को देख के अपना रास्ता बदल देते थे। ठीक है, आप इसे ले जा सकती हैं। चलो बेटा।
दोनों ही केसेस में एक आदमी का इन्वॉल्व होना और सुजीत का पुलिस से डरना। सतीश, पुलिस के सारे रिकॉर्ड चेक करो और देखो कि ये स्केच किससे मिलता है। मुझे इस आदमी की पूरी आइडेंटिटी चाहिए। जो खाकी वर्दी एक आम इंसान को सुरक्षा मुहैया कराती है, उसी खाकी वर्दी का उस इंसान के मन में ऐसा कौन सा खौफ बैठ गया था जिसे निकाल पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। जो खाकी वर्दी कानून और सुरक्षा का प्रतीक है, उसी खाकी वर्दी वालों ने ऐसा क्या कर दिया था कि जिसके डर से इस इंसान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। भेज रहे हैं? आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दुकान अभी खुली है, कैश मंगवाना पड़ेगा। आप बैठिए ना। वो मंगल सूत्र मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच किए हैं हमने मधु के घर के दरवाजे पर, अलमारी पर, सब जगह तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। क्यों मारा मधु को? पैसे कहाँ हैं? मैं मानता हूँ साहब, मैंने मंगल सूत्र चुराया साहब, लेकिन मैं उसे नहीं मारा साहब, और पैसे भी मेरे पास नहीं है साहब। वो दो सौ आदमी ने बर्तन वाले इधर इधर। हाँ साहब, भांडे चाहिए। पैसे कमाना चाहता है? पैसे? अब चिल्लर की नहीं, हजारों की बात कर रहा हूँ। हजारों? काम कम दाम ज्यादा। साहब काम क्या करना होगा? देख, तेरे काम की वजह से यहाँ के घरों में जाना जाना तेरा, कौन कितना मालदार है, कितना पैसा किसके पास है, ये तो तू जानता ही होगा। बस तुझे एक छोटा सा काम करना है। ये पैसे वाले लोग हैं ना, अपने घरों में पैसे कहाँ रखते हैं इसका अंदाजा लगाना और मुझे बताना है। इसमें फंसवाते ना साहब। अरे पुलिस वाले के होते डरने का नहीं। ये देख, बोल, है कोई खतरा? साहब मैंने उसे कुछ घरों की अंदर की खबर दी थी साहब। हेलो। हाँ बेटा, जीते रहो। जरा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ बेटा, जो 5 लाख भेजे थे तूने वो मुझे मिल गए। उसने मुझे पैसे दिए थे साहब, और वो फिर उस रात आया साहब और बोला चल लंबा हाथ मार दे साहब। फिर हम उसने मुझे चुना लगा दिया साहब, 10,000 रुपये देकर भगा दिया उसने, और धमकी दी साहब कि मैं पुलिस वाला हूँ, कोई लंबा केस बनाकर जिंदगी में जेल में सड़ा देगा साहब। मैं डर गया था साहब। फिर मुझे याद आया साहब कि मधु के गले में कीमती मंगलसूत्र था साहब। मैंने उस औरत की लाश गाने लगाने के वक्त उसका मंगलसूत्र चुरा लिया था साहब। मैंने सोचा साहब उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे साहब। यही है वो पुलिस वाला? हाँ साहब, यही था वो पुलिस वाला साहब। तूने बहुत सारे पैसे वालों की जानकारी दी थी ना उसे? हमें उन सब के नाम और एड्रेस चाहिए। सर, सुजीत और मधु दोनों का केस रिलेटेड है, क्योंकि उस फेरी वाले ने सुजीत और मधु दोनों की इन्फॉर्मेशन उसको आपको दी है, और जितनों की भी जानकारी दी उन्होंने सुसाइड कर ली या फिर अपने जिंदा रहने की कीमत दी। उसने तो शहर ही छोड़ दिया, ना कोई फिंगर ट्रेस ना कॉल ट्रेस। सतीश, हमारा सामना हमारे ही तरह पुलिस की ट्रेनिंग लिए हुए एक आदमी से हो रहा है। सर, पुलिस वाला जो भी हो भोपाल शहर में तो पोस्टेड नहीं है, और वारदात इसी शहर में कर रहा है। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आदमी या औरत जो भी इसे पैसे दे रहा है क्यों दे रहा है, और ये पुलिस वाला क्यों पैसे ले रहा है? ये तो यही आदमी बताएगा, बस एक बार हमारी गिरफ्त में आ जाए। ना कोई फिंगरप्रिंट छोड़ता है, ना नाम, ना डिटेल, ना कुछ। सतीश, इस आदमी की एक कमजोरी है जो हमारे काम आ सकती है। वो क्या है सर? पैसा। ये अपने अगले शिकार पर नजर बनाए बैठा होगा। इस फेरी वाले ने जितने भी घरों की खबर इसे दी है सब पे नजर रखो। फेरी वाले से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अब उन लोगों पर अपनी तहकीकात का दायरा सीमित कर रही थी जिन्हें अपनी कार्य प्रणाली के तहत वो अपना शिकार बना सकता था। पुलिस की शक की सुई अब एक जगह पर आकर टिक गई थी और पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। सर, अभी अभी प्रिया साहनी ने बैंक से एक बहुत बड़ी रकम निकाली है। अपना एक कांस्टेबल उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसके हर मूवमेंट की जानकारी दे रहा है। उससे बोलोगे नजर रखे उस पर? यस सर।
सर सर बड़े नाके में किसी लड़की को उसने पकड़ दिया। ठीक है, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखो, हम लोग भी आ रहे हैं। कब बताती हूँ कमल, अभी रतलाम में पीएसआई है, पर कुछ दिन ही हुए वो यहाँ आया है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मुझे तो अपनी लाइफ में ना खूब सारे पैसे कमाने हैं, लाखों करोड़ों रुपए, गोनी भर भर के, और उसके बाद विदेश जाके सेटल हो जाऊंगी और खूब ऐश करूंगी वहाँ। क्या बात कर रही है तू, पैसे कमाना चाहती है तू? अरे तो पहले बोलना था ना, अब तक तो पैसों का ढेर लग गया होता। कैसे? तू मेरा साथ दे बस। हाँ बिल्कुल सर, उसने मुझे शॉर्ट टर्म तरीका बताया पैसे कमाने का। सर सर मैं एक बहुत अच्छे घर की बहू हूँ सर, और मेरे हस्बैंड सर वो मर्चेंट ने भी मैं ऑफिसर है, मैं उन्हें बहुत मिस करती थी सर, इसी बीच इस आदमी से मेरी दोस्ती हो गई। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, पता नहीं कैसे मैं इसकी बातों में फंस गई सर, और एक दिन हमने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली और इन लोगों ने हमारी वीडियो बना ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगे। मैं इतनी डर चुकी थी सर कि मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। सुजीत के साथ तुम दोनों ने क्या किया? सुजीत के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, वो हमारे झांसे में ही नहीं आ रहा था। मैंने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए, अपने फोटोज भी भेजे सर, पहले तो उसने इग्नोर किया, बोला कि मैं बीवी बच्चे वाला आदमी, लेकिन उसे क्या पता था हमें तो बीवी बच्चे वाले लोग ही चाहिए थे। फिर मैंने और कमल ने उस पर प्रेशर बनाना शुरू किया सर, हमें सच में नहीं पता था कि वो सुसाइड कर लेगा सर। रतलाम की मानक चौक पुलिस स्टेशन से खबर कंफर्म हो गई है, कमल दीक्षित एक सस्पेंडेड पुलिस सब इंस्पेक्टर था। सस्पेंडेड? जी सर, घूस लेते हुए पकड़ा गया था फिर सस्पेंड कर दिया गया, घर पे भी कई दिनों से ताला लगा हुआ है। सतीश, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है, पैसे के लिए शिवा को फोन करेगा ही, हमें बस अब वेट करना है। फोन उठा। हाँ पैसे मेरे पास ही है, वहीं मिलते हैं हमेशा वाली जगह पे। ठीक है। बोल, कब से कर रहे हैं ये सब, कैसे करता है और कौन कौन शामिल है तेरे साथ? सस्पेंड होने के बाद से बहुत से कम लोगों के साथ काम करता था मैं, पर वो जितने भी थे हर एक 10 के बराबर थे। मधु के साथ क्या किया? फेरी वाले ने मुझे बताया था कि मधु का पति दुबई में काम करता है, बहुत पैसे कमाता है वो, यहाँ सिर्फ सास बहू और एक छोटी बच्ची है, तो मैं मधु का पीछा करने लगा, उसका पूरा शेड्यूल निकाला। कभी कभी मधु अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद एक कॉफी शॉप में जाती थी, मैं भी वहाँ जाने लगा। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली यहाँ पर कहीं बैठने की जगह है नहीं, इफ यू डोंट माइंड क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू। वेटर एक कॉफी। मैं कॉफी शॉप में डेली जाने लगा था, रोज मिलता था मधु से, मैं बहुत कोशिश की इंटेलिजेंट बनके, इमोशनल बनके हंसता था मैं उसके साथ, हंसाता था उसे ताकि वो मेरे प्यार के जाल में फंस जाए, पर वो नहीं फंसी। तो फिर मैंने एक दिन कॉफी, आज वैसे बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम। थैंक्स। अकेला रहते रहते इंसान
बोर हो जाता ना। को मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा, और उसके पास पैसे होने के बावजूद वो आनाकानी कर रही थी देने में। ये लो। ये सब क्या दे रही है? पैसे चाहिए मुझे। देखो, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरा और मेरे पति का जॉइंट अकाउंट है, अगर मैं पैसे निकालूंगी तो उनको पता चल जाएगा। ज्यादा नाटक मत कर, मुझे पता है तेरे घर में कैश है, वो किस दिन काम आएगा। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। इसलिए उस रात में मधु के घर गया पैसे लेने के लिए। पुलिस जनता की रक्षक होती है, भक्षक नहीं। तू जैसे पुलिस वालों की वजह से जनता पुलिस पे भरोसा करने से कतराती है। मैं आपसे कहता था ना मां, मेरी मधु कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मैंने कभी उसे इतनी आजादी नहीं दी, इतना विश्वास नहीं दिलाया कि वो अपनी कोई भी परेशानी मुझसे कह सके। काश उसकी आवाज में छुपे दर्द को समझ पाता। जब अपनों के साथ संवाद रुक जाता है तभी हम गैरों का सहारा लेते हैं, जाने अनजाने अजनबियों पर भरोसा कर बैठते हैं और अपराध का शिकार बन जाते हैं। अगर वक्त रहते मधु ने अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में रौनित को बताया होता, या शारदा ने अपनी बहू को इतनी आजादी दी होती कि वो अपनी परेशानियां उनके साथ बांट सके, तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर सुजीत ने पुलिस की मदद की होती, इस मुजरिम को बेनकाब किया होता, तो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके जैसे कई इंसानों की जान बच सकती थी। उसने जो रास्ता चुना वो गलत था। याद रखिए, जुर्म करने वाले ना सिर्फ सीधे हमें अपना शिकार बनाते हैं बल्कि ऐसे हालात भी पैदा कर देते हैं कि इंसान उनके चंगुल में फंसकर खुद जुर्म के दलदल में उतर जाता है। जब सहन शक्ति का बांध टूटता है तो सूझबूझ कहीं खो जाती है और संगीन नतीजे सामने आते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने अंदर की भलाई के साथ समझौता ना करें, रिश्तों के बीच भरोसा कायम रखें, क्योंकि ये भरोसे ही हमारी जिंदगी की खुशहाली की चाबी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।